गाइस मैं एंटरटेनर हूं, कर कर। तो मैं कैमरा इसकी तरफ करूंगी और जैसे मेरे साथ करता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा करके दिखा, ए हिप हॉप पर ये वो हौसला मिल जाता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना। 1 2 3 कहती भागो। सॉरी सैम, अगली बार आपको देखेंगे। हाँ दिख रही है। नहीं दिख रही। अरे दिख रही है, मैं कह रहा हूँ जब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। क्या हो गया? मैंने कहा था पूरा दिखना चाहिए। हाँ दिख तो रहा है, इसको पूरी देख लो, पहले चप्पल देखो, पूरी देख लो, देख लो चप्पल कोमल। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस हम जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी नीचे, चलो। तो गाइस फाइनली 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 बात नहीं करने दे रही, देख लो। लाइव 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 चैट करनी है मुझे। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, तंग कर रही है। फिर चलो, मैं आपको आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये ना ऐसे करता है, रही है मुंह पे। सॉरी सॉरी, एबिट 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 ये सब सबको बोल बोल बोल। तो ये ना ऐसे करता है मेरे साथ। तो मैं कैमरा इसकी तरफ करूंगी और जैसे मेरे साथ करता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करता है। चलो चल, अरे चलने चलना नहीं है क्या? लेट हो रही है, लगा दूंगा इसके एक बढ़िया सा रैप्टा। तो गाइस मैं कह रहा था, आप चुप हो जा, बहुत देर हो गई, चुप चुप हो जा यार, पीटेगी। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं रणबीर कपूर को देखने जा रही हूँ गाइस। रणबीर कपूर कैंसिल कर दिया मैंने। चल तो गाइस फाइनली एनिमल मूवी की टिकट हमें मिल चुकी है भाई साहब। कल से देख रहा हूँ, कल से मतलब जितने भी आसपास थे ना, 10-10 किलोमीटर दूर के भी PVRs, आइनॉक्स, सब कुछ, सब में हाउसफुल हाउसफुल। मतलब दिन के एक जगह पे, दिन के 5-5, 6-6 एक जगह पे तो 10 शो भी लगा रखे, 10। और वहां पे भी टिकट नहीं मिल रही थी, अब भी मिली है ना, अब भी मिली हमें सेकंड रो में आगे आगे, और ऐसे मुंडी ऊपर करके देखनी पड़ेगी। तो भैया मूवी इसका मतलब बवाल है, और वो तो बवाल है या नहीं है वो तो अब मैं जाके बताऊंगा आपको, देखूंगा अच्छे से, उसका रिव्यू दूंगा पूरा। जिस हिसाब से हाउसफुल जा रहे हैं ना, हर जगह हाउसफुल है, ऐसा नहीं कि मेरे आसपास, मतलब मैंने दूर दूर भी चेक कर लिया कि मैं दूर चला जाऊंगा, भाई साहब 9 टिकट्स ऑलरेडी 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले ही मूवी डेट जब आ चुकी थी तभी सब लोगों ने बुक कर दिया था, और मैंने भी इसको बता दिया था कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है सब जगह, बहुत मुश्किल से आज 2 टिकट्स मिली है। तो अब ऐसे मुंडी ऊपर करके देखना पड़ेगा क्योंकि आगे आगे की टिकट्स है, सेकंड रो की है। तो बस थोड़ा सा रेडी होते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, फिर निकलते हैं मूवी देखने, और आपको पूरा अच्छे से रिव्यू बताऊंगा कि आपको देखने जाना चाहिए या नहीं। वैसे देखने जाना ही चाहिए, ऑफकोर्स जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है तो देखनी तो चाहिए, एक बार तो देखनी चाहिए चाहे कैसी भी हो। पहले हम सारा दिन बोर होते थे, फिर हमने एक बढ़िया सिया टीवी लगा दिया है गाइस, या तो मैं बोल लो तुम बोल लो, या तो मैं बोल लो, नहीं या तो मैं बोल लो, फिर हमने लगा दिया बड़ा सा टीवी। अब हम इस पे देखते हैं नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी, सब कुछ देखते हैं अभी, और हम अपने ब्लॉग्स भी इसी में देखते हैं, आप खुद खुद को देख के खुश होते रहते हैं। तो गाइस रेडी होके खड़ी थी, देख लो फिर भी इतना लेट कर रही है। आ जाओ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू सो मच किस लिए वो मैं आपको भी गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। अरे यार आ जाओ ना, कहाँ ये ओ हीरोइन, चप्पल पहनोगे? ठीक है ना, चप्पल अच्छी लग रही है, चलो नाना चप्पल तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है चप्पल, वही तो कह रहा हूँ। अरे नहीं अच्छी लग रही है, सही लग रही है। हाँ हिप हॉप पर लग रही है तो हिप हॉप पर ऐसे करके दिखा, ए हिप हॉप पर ये। तो गाइस मूवी में पड़ा अभी 1 घंटा पूरा, मैं निकल रहा हूँ पहले क्योंकि दिल्ली गुड़गांव की ट्रैफिक का आप सबको मालूम है भली भांति। मतलब मेरे से झूठ बोला क्या? 7:20 की है ना, 6:20 हुए अभी, गाइस सर्दी हो गई है। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं। तो मैं आपको थैंक यू क्यों कह रहा था वो मैं बता देता हूँ। इतने सारे कमेंट्स भर दिया आप लोगों ने कि आप ब्लॉगिंग करो, हम आपके साथ हैं, आपको बहुत सारा प्यार, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप करो 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 करो, तो उसी वजह से बस मोटिवेट हो चुके हैं हम। तो बस उसी लिए थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, और हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहेंगे।
तो अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा गाइस, बस मूवी निकल ना जाए। मैं एक घंटा पहले निकला हूँ घर से, लेकिन मूवी ना निकल जाए, बस यही दुआ करता हूँ आज मैं भगवान से। तो गाइस समय बीतता हुआ और ट्रैफिक नहीं बीत रहा, लेकिन मुझे लगता है ट्रैफिक है, बट स्टिल हम टाइम से निकले तो शायद हम पहुंच सकते हैं। हाँ, 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, 5 मिनट। और हम जैसे कि कल आप सबको बोला था हमने कि हम आप सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम कैसे कैसे लाइव आएंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सबको, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और इतना सारा प्यार आप नितिन को दे रहे हो, इतना सारा सपोर्ट आप नितिन को कर रहे हो, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और कुछ स्पेशल अगर आपको देखना होता है या कुछ, जैसे कि एक कमेंट आया था कि आप नितिन भैया के साथ फूड का कोई किचन का व्लॉग बनाना, तो उसके लिए अभी हमें लगेंगे शायद कितने डेज लगेंगे। अभी किचन बन रही है मेरी। हाँ, किचन बनते क्योंकि किचन का ऑलमोस्ट सामान है, बट एक मेजर काम जो होना बाकी है उसके अंदर वो हुआ नहीं है। तो जैसे ही वो हो जाएगा आई थिंक 1 वीक लगेगा, 1 वीक 10 डेज, तो उसके बाद ये वाला व्लॉग जरूर बनाएंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग कुछ स्पेशल देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स करना। एंड अब तो मैं अपने आप ही दिखा दूंगा स्पेशल, क्योंकि अब आप मुझे ना वो हौसला मिल जाता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर अब तो मैं ऐसे ऐसे स्पेशल दिखाऊंगा ना, तो गाइस आप खुश हो जाओगे। गाइस इसे मैंने बोला था कि 5 मिनट पहले पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने इसको पहुंचा दिया 15 मिनट पहले। फास्ट एंड फ्यूरियस 11 मुझ पे बननी चाहिए। एकदम सही जगह गाड़ी लगाई है, कट भी यही है। मुझे जाना है वहाँ पे सामने, इस मॉल का नाम है ड्रीम्स, ड्रीम्स है शायद। 1 2 3 कहती भागो। सारी भीड़ जा रही मूवी देखने। सॉरी सैम, अगली बार आपको देखेंगे। बस फाइनली टाइम से पहुंच चुके हैं। सुपर एक्साइटेड फॉर द मूवी। ऑल न्यू ऑनर 90 कैप्चर अल्ट्रा क्लियर। क्योंकि सुबह को अपनी स्माइल से बेटर बनाना हो। सो गाइस मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई, और आप लोग भी प्लीज जरूर मूवी देखने जाना। खूब बहुत सारा एक्शन है, फैमिली ड्रामा है, और आपको डिटेल में तसल्ली से बताऊंगा कि मूवी कैसी थी कैसी नहीं थी, आराम से गाड़ी में बैठ के। कुछ खाना है पहले, भूख लगी है मुझे तो। क्या खाएं क्या खाएं, फग्गू क्या खाएं, चल देखते हैं अभी क्या खाते हैं, करते हैं प्लान, चलो जल्दी चलो। क्या खाएं क्या खाएं, पीछे बर्गर ना मुझे दिख रहा है, मैं बहुत खाता था पहले, यहीं तो रहता था मैं पास में। तो गाइस मूवी थी कुछ इस प्रकार, जो उसके डायरेक्टर ने भी बोला है कि बच्चों के लिए नहीं है ये मूवी। वैसे इतना मुझे लगा नहीं खास, लेकिन भैया बच्चों पे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसके डायरेक्टर ने भी ये चीज़ बोली थी कि मैंने बच्चों के लिए बनाई नहीं है, और मैं मेरे खुद के घर के बच्चों को भी लेके नहीं जाऊँगा मूवी देखने, लेकिन भैया आजकल के बच्चे मानते ना हैं। तो मूवी अच्छी थी, इंटरवल से पहले काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी मज़ेदार, मतलब कुछ ना कुछ आता जा रहा था, आता जा रहा था, आता जा रहा था, उसके बाद फिर थोड़ी थम जाती है मूवी, उसके बाद एंडिंग है देखने लायक। बॉबी देओल का सीन ज़्यादा दिया नहीं हुआ, मतलब मेन विलेन वही है, लेकिन उसका सीन सिर्फ, मतलब ये लगा लो 3-4 बार दिखाया बस उसको, ज़्यादा दिखाया ही नहीं उसको। तो आप भी ज़रूर देखने जाना, 1 टाइम देख सकते हो ये, बार बार नहीं देखी जाती। वैसी मूवी नहीं है कि बार बार देखते जाओ 2 बार देखेंगे अच्छी लगेगी, नहीं एक ही बार अच्छी लगेगी बस, उसके बाद नहीं। और लंबी थी मूवी, 3 घंटे की थी आई थिंक शायद, है ना। तो बस अभी ऑर्डर ही कर लें घर पे, कुछ बाहर से नहीं खाएंगे, लेट हो गया है काफ़ी। कितने बज गए हमें, 12 बजने वाले हम गए थे, 7:20 का शो था, तो लगा लो 3 घंटे की आराम से मूवी है, तो इन्जॉय करना ज़रूर, देख के आना, अच्छी थी कुल मिला के मूवी। तो गाइस सर्दियों में ना 12 बजे सुनसान हो जाता है सब, देख लो हर जगह सुनसान है, गली में पूरी सुनसान गली हो रखी है हर जगह, और हम ही है दोनों जो घूम रहे। खोलो गेट, खोलो आराम से, जोर लगा के, जोर लगा के, थक गए हैं काफी, बैठे बैठे थक गए मूवी हॉल में, बताओ इसका तो सर दर्द कर रहा, क्योंकि आगे थे ना थोड़ी, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ रहा था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, ठीक था। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, ध्यान रखें, अभी चल रही है मेरी एडिटिंग, तो अभी मुझे थोड़ा और लेट हो जाएगा सोते सोते, फिर सुबह आराम से उठूंगा। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।